नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आज से ठीक 8 महीने पहले यानी दिसंबर 2019 के मध्य में चीन ने जो जाल बुना था उसमें सबसे ज्यादा चीन ही उलझ गया है। जानकर हैरानी होगी कि जो चीन बाहर से बड़े दावे कर रहा है वह भीतर ही भीतर खोखला होता जा रहा है। पिछले 4 माह में चीन को लगभग $120 अरब का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। केवल इतना ही नहीं, उसका निर्यात 62% नीचे खिसक चुका है, जबकि चीन का आयात लगातार महंगा होता जा रहा है। यह सब केवल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि शी जिनपिंग ने दुनिया को जिस प्रकार आक्रामक तेवर दिखाए उसकी भी बड़ी भूमिका रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था की हवा तो निकल ही रही है, उसने दक्षिण एशिया में नए ब्लॉक तैयार करने की जो कोशिशें की उसका गंभीर असर भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसके बाद चीन में सब कुछ शिथिल पड़ता जा रहा है। खुद चीन के अर्थशास्त्री आशंका जता चुके हैं कि चीन की स्थिति ईरान जैसी हो सकती है, क्योंकि चीन के निर्यात में 62% की कमी असाधारण है। अगर यह स्थिति अनवरत बनी रही तो चीन की अर्थव्यवस्था इसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। चीनी वस्तुओं को लेकर दुनिया ज्यादा सचेत हो चली है। पिछली तिमाही में चीन के इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की डिमांड 40% से भी कम हो गई है। चीन के LED, जूते, केमिकल, मेडिसिन और सर्जिकल उपकरण जैसे सामान का निर्यात भी 34% घट गया है। यानी विश्व के अधिकांश देश चीन से आयात में भारी कटौती करते जा रहे हैं, जबकि इसके विकल्प के तौर पर वे दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और भारत की तरफ रुख करने लगे हैं। मजे की बात यह है कि भारत ने पिछले 3 माह में दुनिया को पिछले साल के मुकाबले इस बार दुगनी मेडिसिन और सर्जिकल इक्विपमेंट बेचे हैं। इसका मतलब यही है कि भारत ने अपने सामान को उन देशों को भी निर्यात किया है जो यही सामान पहले चीन से आयात करते थे। भारत से मेडिकल प्रोडक्ट खरीदने वालों में चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी शामिल है। इस मदरसा मुल्क ने भी चीन की बजाय मेडिकल प्रोडक्ट भारत से आयात किए हैं। इसके अलावा 52 से ज्यादा देशों में भारत ने अपने निर्यात का विस्तार किया है। इसमें 24 देश ऐसे हैं जो यह सामान भारत की बजाय चीन से लेते थे। ऐसा लगता है मानो अब दुनिया ने प्रण कर लिया है कि वे चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। यह कहीं ना कहीं चीन के लिए भी बड़ी चोट है, जिससे उसे हर नए दिन के साथ नया झटका लग रहा है। हालांकि भीतर ही भीतर खोखला होते चीन ने हैबे जैसे प्रांत में बैंक से 1 लाख से ज्यादा अमाउंट निकालने पर रोक लगा दी है, जबकि बड़े व्यवसायियों को 5 लाख युआन से अधिक के लेन देन के बारे में सूचित करना होगा। चीन ऐसे कदम उठाकर अपने बैंकों को बचा लेना चाहता है, पर बावजूद इसके 586 बैंकों और फाइनेंशियल फर्म को प्रशासन द्वारा अत्यधिक जोखिम वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन बैंकों के दम तोड़ने की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कर्ज लेकर उसे चुकाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जानकर आश्चर्य होगा कि 2019 में मात्र कुछ चीनी उद्योगों द्वारा बैंकों का लगभग $20 अरब का कर्ज नहीं चुकाने की बात सामने आई थी। सीधे शब्दों में कहे तो चीन की बैंकिंग प्रणाली भी संक्रमण ग्रस्त हो गई है, और यदि संक्रमण ऐसे ही फैलता रहा तो चीनी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी अब चीनी अर्थव्यवस्था के आबाद होने की गुंजाइश शी जिनपिंग की गलत नीतियों की भेंट चढ़ गई है। साउथ चाइना सी और LAC में भारत के साथ विवाद में चीन को भारत के मुकाबले 4 गुना खर्च अधिक करना पड़ रहा है। कोरोना काल में यह मुसीबत चीन के लिए दिन प्रतिदिन भारी पड़ती जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो चीन नेवी एयरफोर्स और पैदल सेना को LOC और साउथ चाइना सी में लगाकर करीब $3 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान रोजाना उठा रहा है, जो हर बीते दिन के साथ आत्मघाती होने लगा है। दुनिया जिस प्रकार चीन से किनारा कर रही है उससे चीन में महंगाई में निरंतर इजाफा होने लगा है। कारोबार और शॉपिंग मॉल में चहल पहल औसत से भी कम हो गई है, जिसमें 20.5% की खुदरा बिक्री की गिरावट आई है। कारखानों की हालत यह है कि निर्यात में कमी के चलते उत्पादन रिकॉर्ड 13.5% गिर गया है, जो चीन के उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। चीन के पास निर्यात के लिए ज्यादा ऑर्डर भी नहीं है। इनमें 600 से ज्यादा उद्योग या तो बंद है या फिर उनके पास 10% भी काम नहीं बचा है। इन उद्योगों पर आए संकट की वजह से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट मंडराने लगा है। दक्षिण एशिया में चीनी प्रोडक्ट का सबसे विशाल बाजार भारत था, परंतु अब भारत में चीनी प्रोडक्ट का वर्चस्व हाशिए पर जाने लगा है। यहां पर दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और अमरीकी कंपनियों की स्वीकारता अधिक बढ़ गई है। जर्मनी कंपनी भी अपने आगमन के जोर शोर से तैयारियां कर रही है। यह सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ है कि भारत चीन के बीच LAC पर तनाव चरम पर है, बल्कि लोगों का विश्वास चीनी प्रोडक्ट पर कम हुआ है। पिछले 2 सालों से चाइनीज सामान की गुणवत्ता पर जो सवाल उठ रहे थे, लोगों को उनका जवाब मिल चुका है। अब भारतीय खरीदार सस्ता नहीं टिकाऊ सामान चाहते हैं,
यह पहली बार है जब भारत की सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों की काट तलाश कर चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान चलाया है। साल 2018-19 में चीन ने भारत को 57 अरब 86 करोड़ डॉलर का सामान अधिक बेचा था, जबकि चीन में भारत ने मात्र 18 अरब 84 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था। अभी तक इसमें बड़ी बात यही थी कि भारत अगर किसी देश के साथ सबसे ज्यादा कारोबारी घाटा उठा रहा था तो वह एकमात्र चीनी था। पर चौंकाने वाली बात यह है कि मार्च 2020 से पिछले माह तक भारत चीन के बीच मात्र 14 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जिसमें भारत ने 6 अरब डॉलर का सामान चीन को बेचा है। इस सामान में कॉटन, कॉपर, हीरा और अन्य प्राकृतिक रत्न चीन को निर्यात किए गए हैं, जबकि चीन से मेडिसिन में प्रयुक्त होने वाला एपीआई और ऑर्गेनिक केमिकल खरीदे गए हैं। चीन पर निर्भरता केवल भारत ही कम नहीं कर रहा है, पश्चिम देश भी इसी का अनुसरण कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वे मोदी सरकार द्वारा चीन पर उठाए गए कदमों के पिछले लग्गू बन गए हैं। मोदी सरकार ने चाइनीज ऐप्स को भारत से बाहर किया तो पश्चिम देशों में भी आवाज बुलंद हुई है। अमेरिका ने तो लोकप्रिय चीनी ऐप्स टिकटॉक को 15 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी है। साथ ही चीन की बड़ी कंपनियों में शुमार अलीबाबा का बाजा बजाने के संकेत भी दे दिए हैं। ट्रंप और मोदी जिस तरह चीन के प्रति आक्रामक है, उससे चीनी कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे भी यही दो देश ऐसे हैं जहां दुनिया का 30% बाजार मौजूद है। अगर चीन इनसे ही बाहर हो गया तो उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं बचेगी। जहां तक भारत की मोदी सरकार की बात करें तो उसने चीन की आक्रामक नीति का जवाब देने की रणनीति पूरी तरह बदल दी है। चीन एलएसी पर आक्रामक हुआ, उसके जवाब में भारतीय सेना को वहां डिप्लॉय कर दिया गया, मगर सरकार ने आमने सामने के युद्ध की बजाय आर्थिक युद्ध को अपनी रणनीति का प्रमुख हिस्सा बना लिया है, क्योंकि यहां भारत चीन पर हर दृष्टिकोण से भारी है। बड़ी बात यह है कि इस आर्थिक युद्ध में भारत का नुकसान अगर 5% है तो चीन का नुकसान 70% तय है। संभवतः चीन को इसकी उम्मीद कदापि नहीं रही होगी। चीन इसी ख्वाब में था कि भारतीय बाजार चीन के ऊपर आश्रित हो चुके हैं और उनके विकल्प भारत के पास मौजूद नहीं है। चीन का यही घमंड आज उसकी अर्थव्यवस्था की बर्बादी की वजह बन रहा है। खास बात यह है कि इस आर्थिक युद्ध में चीन का प्रतिद्वंदी अकेला भारत नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देश इसी रणनीति को अपनी ढाल बना रहे हैं। वैसे भी चीन के जान व्यापार में बसती है। यही व्यापार वह तोता है जो चीन की उन्नति और उसकी दादागिरी का स्रोत है। अब अगर इस पर हथौड़ा चल चुका है तो चीन में खलबली मचना तय है। चीन को डर सता रहा है कि अगर हालात यूं ही चले तो उसकी हालत ईरान से भी बदतर हो सकती है। उसकी बड़ी समस्या यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में निवास करती है, जिसका खाली पेट भरना अकेले चीन के संसाधनों के बूते की बात नहीं है। इसलिए अब हर बीते दिन के साथ चीन की घबराहट बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।